आप कार्बन को किसके साथ अटैच करके कौन सी न्यू प्रोडक्ट कौन सा कंपाउंड बना रहे हो और उस कंपाउंड का इस नेचर में क्या यूज है उस सभी के बारे में हम रीड करेंगे इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन अबाउट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कि कार्बन की है हमारे अर्थ क्रस्ट में ठीक है तो कार्बन थर्ड मोस्ट वाइटल एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फर्स्ट एंड सेकेंड है उसके बाद जो थर्ड वाला है वो कौन सा है कार्बन ठीक है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बने होते हैं जो सभी जैसे प्लांट्स है प्लांट्स में भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं ठीक है थीके? जो हम भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड यूज़ करते हैं तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं नेक्स्ट यूल हैविंग बेसिक करेक्ट्रिस्टिक्स तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है कार्बन की कार्बन का सिंबल है कैपिटल सी आप कभी भी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल सी होता है इसका बेसिक सिंबल ठीक है अटोमिक नंबर इसका सिक्स है अटोमिक मास ट्वेल्व है ये एक नॉन मेटल है कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका नेम कहाँ से आया है इसका नेम लेटिन वर्ड से है लेटिन वर्ड कौन सा कार्बो कार्बो का मतलब होता है बर्नेबल ब्लैक सब्सटांस कोई एक ब्लैक सबस्टांस है जो बर्न हो सकता है उसके नेम से लेटिन वर्ड कार्बो से आई है कार्बन नेक्स्ट में हैविंग अबंडस इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमोसफियर की एटमोस्फियर में और क्रस्ट में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन फाइंड आउट होता है वो हमें रीड करना है फर्स्ट स्केयर इन द अर्थ क्रस्ट की जो अर्थ क्रस्ट में है इसकी मतलब ज्यादा जरूरत नहीं होती सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट है वो मिनरल्स में फाइंड आउट होता है ठीक है एटमोस्फियर में जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ठीक है नेक्स्ट हैविंग वर्सटाइल इन कंपाउंड फॉर्मेशन जो कार्बन होता है कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन क्या करता है कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं तो इसीलिए कार्बन है वो वर्सटाइल है मतलब किसी भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके न्यू न्यू प्रोडक्ट बना लेता है ठीक है कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है या तो कार्बन कार्बन कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं या कार्बन कोई और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है ठीक है तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं बहुत सारे न्यू सब्सटैसे और न्यू मटेरियल्स के एग्जिस्ट होते हैं एटमोस्फेयर में नेक्स्ट फेयर हैविंग अक्रेंस ऑफ कार्बन कार्बन कौन सी फॉर्म में हमें मिलता है एटमोसफेयर में वो हमें रीड करना है फर्स्ट फेर हैविंग फ्री स्टेट तो कार्बन फ्री स्टेट में भी हमें मिलता है फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि कार्बन के साथ कोई भी और एलिमेंट कंबाइंड नहीं है तो वो फ्री स्टेट में हमें मिल सकता है तो कौन सी फॉर्म जैसे कार्बन है ग्रेफाइट है कोल है इसमें सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होगा कोई भी और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता जो डायमंड है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है और जो ग्रेफाइट होता है उसमें लेस प्योर मतलब प्योरिटी थोड़ी सी कम होती है कार्बन की और जो कोल होता है वो पूरा ही इम फॉर्म ऑफ कार्बन होता है इसकी जो कार्बन कार्बन की रेंज है, 60 होती है वो सिक्सटी परसेंट टू नाइन्टी परसेंट होती है नेक्स्ट वन हैविंग कंबाइंड स्टेट जो कार्बन है किसी और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन combine करके कंबाइंड स्टेट में भी फाइंड आउट हो सकता है जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है जैसे प्लांट्स में एनिमल्स में ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन इनकी फॉर्म में हमें कार्बन फाइंड आउट होता है तो कार्बन ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स में पूरा कार्बन ही प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है ठीक है कोई और एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है ऐसे नहीं होता कोई और एलिमेंट्स के साथ कार्बन कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है फैट्स बनाता है प्रोटीन्स बनाता है, है विटामिन बनाता है जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट इन द एटमोस्फियर नेचर जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है ठीक है नेक्स्ट कार्बन प्रेजेंट है जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन जै, जैसे मिथेन सी एच फोर ठीक है कोल में नेचुरल गैसेस में पेट्रोलियम में इन सभी में भी क्या करता है कार्बन है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वो कोल बना लेगा नेचुरल गैस बना लेगा ऐसे वो एटमोसफियर में प्रेजेंट है नेक्स्ट में हैविंग कार्बन इन वाटर जो कार्बन है वो डिजोल्ड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है किसमें वाटर में और कई कार्बोनिक एसिड जो वगैरह जो होते हैं पानी में डिजॉल्व होते हैं नेक्स्ट में हैविंग इन मिनरल्स जो कार्बन है वो मिनरल्स में भी प्रेजेंट होता है जैसे कि कार्बोनेट है बाई कार्बोनेट ठीक है जैसे कि जो चौक होती है लाइमस्टोन होती है ये सभी जो मिनरल्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है कार्बन प्रेजेंट होता है नेक्स्ट वीयर हैविंग इन नेचुरल फाइबर्स कई नेचुरल फाइबर्स में भी कार्बन प्रेजेंट जैसे कि कॉटन नाइलॉन रॉयन सिल्क इन सभी में भी क्या होता है कार्बन कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट वीयर हैविंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स है उसको हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे फर्स्ट वी आर हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकेंड वी आर हैविंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है पहले ध्यान से देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक हम आगे जाके रीड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एटम्स होंगे जिसके अंदर कार्बन के आइटम्स होंगे वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंडस होंगे ठीक है इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स क्या कहाँ कहाँ ही यूज होता है मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन विटामिन ठीक है इन सभी में क्या होगा कार्बन प्रेजेंट होगा और आप कह सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि मिथेन इथेन इन सभी में भी क्या होगा कार्बन प्रेजेंट होगा कोई भी कंपाउंड में जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स ऑयल या कोई भी सिंथेटिक मटेरियल्स है ठीक है इथेन है प्रोटीन है सभी में क्या होगा कि कार्बन क्या होगा वो किसी दूसरी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया होगा ऐसे मतलब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया हुआ है तो कंबाइन करके जो ये कंपाउंड बन जाएगा ये कंपाउंड कौन सा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट फिर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंडस इनऑर्गेनिक नेम से क्लियर है कि वो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंडस होंगे ठीक है ये कहाँ मिलते हैं हमें ये जो जो भी नॉन लिविंग मटीरियल्स होते हैं ठीक है जैसे कि मेटल्स नॉन मेटल कार्बन एलिमेंट्स ठीक है नॉन कार्बन एलिमेंट सॉरी तो उन सभी के अंदर क्या होगा इन सभी के अंदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेिकम्पाउंड इनऑर्गेनिक

कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है फिर वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है उसकी करेक्ट्रिस्टिक्स क्या आ जाएंगी ये हमने रीड कर लिया कि सभी जो नॉन लिविंग मैटर है जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स नॉन कार्बन कंपाउंड्स ठीक है सभी में क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी जैसे कि सॉल्ट्स मेटल्स ऑक्साइड मिनरल्स ये सभी किसमें आ जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बना होता जैसे कि ऑक्सीजन सी एच का बॉन्ड नहीं है ओथ्री ओजोन सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें सी और एच कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बना हुआ नेक्स्ट वन हैविंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स की जो कार्बन है कार्बन की भी डिफरेंट फॉर्म्स आगे प्रेजेंट है जैसे कि उसके डायमंड ग्रेफाइट ठीक है इसके आगे भी हम रीड करेंगे उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है मॉर्फस फॉर्म होती है वन बाय वन हम रीड करते हैं तो मेन जो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन की वो होती है डायमंड एंड ग्रेफाइट डायमंड मैंने आपको पहले बताया कि जो प्योर कार्बन होता है जिसकी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी एक ऐसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी जिसकी एक प्रॉपर हार्डनेस होगी ज़्यादा हार्डनेस होगी ज़्यादा क्लियरिटी होगी वो डायमंड है ठीक है जिसमें प्योर कार्बन

नेक्स्ट में हैविंग क्रिस्टलाइन फॉर्म तो क्रिस्टलाइन फॉर्म तब देखो जो बोथ डायमंड और ग्रेफाइट है वो दोनों को ही हम क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन बोलते हैं क्यों क्योंकि इनकी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है जिस भी फॉर्म ऑफ कार्बन की एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी फॉर्म होगी क्रिस्टलाइन फॉर्म की होगी ठीक है नेक्स्ट में हैविंग अमार्फस फॉर्म अमॉर्फस फॉर्म भी एक अनदर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है इसके अंदर क्या होगा मॉर्फस फॉर्म में कि जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो हमें एज अ नेक्ड आई नहीं दिखेंगे हमें उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना होगा ठीक है मॉर्फस फॉर्म में जैसे कि उस चारकोल चार्कल ले लो, लो कार्बन ब्लैक ले लो सूट सूट मतलब क्या होता है कि जो कार्बन को मतलब हीट कर करके बनाते हैं और कार्बन को हम सूट बोल दो उसके जो धुआँ को सूट बोल देते हैं ठीक है थीके? तो इन सभी में क्या होगा अमार्फस फॉर्म जो एक प्योर फॉर्म है कार्बन की बट इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि आप उसको अच्छे से बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते अब हम रीड करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन की जो कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है उनके बारे में कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन सी थी डायमंड और ग्रेफाइट डायमंड और ग्रेफाइट की मेनली हम रीड करेंगे इसमें तो डायमंड की देखो जो प्योरिटी और हार्डनेस है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है और इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं डायमंड ठीक है अपीरेंस कैसी है ये कलरलेस होते हैं लस्ट्रस लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं डायमंड अगर आपने देखा हो तो शाइनी होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डेफिनेट पैटर्न में पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है ठीक है

जो सभी हमें राउंड राउंड दिख लें राउंड राउंड सभी कार्बन है ठीक है तो डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो हर एक, एक कार्बन है वो कार्बन आगे जाके अदर फोर कार्बन से अटैच होगी ऐसे जैसे सेंट्रल वाला कार्बन है ये तो, थ्री, फोर, ये आगे जाके फोर कार्बन से अटैच होगा हमेशा डायमंड के स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है कि जो एक कार्बन आइटम होता है वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है अदर मतलब फोर कार्बन आइटम से और जो ये टेट्राहाइडल मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनेगी ऐसे जो है स्ट्रक्चर बनी है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है ठीक है इसकी थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जो हरेक एक कार्बन है, उसके एक, मतलब यूनिक स्ट्रक्चर थ्री डी डिमेंशनल की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनता है जो एक हरे कार्बन एटम फोर में ऐसे अटैच होता है उसको वो थ्री डी स्ट्रक्चर में दे देता दे है उसको शेप दे देता दे है नेक्स्ट मेंविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड डायमंड के फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल मतलब देखने में कैसे लगता है डायमंड कैसा होता है प्योरिटी एंड डेंसिटी सबसे प्योरेस्ट और सबसे डेंस डेंस मतलब सबसे सख्त रिजिड ठीक है प्योरेस्ट एंड मोस्ट डेंस फॉर्म ऑफ कार्बन है कौन डायमंड ठीक है इसकी हार्डनेस और अपीयरेंस बहुत हार्ड होता है बिल्कुल क्लियर होता है ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जिसमें थोड़ा बहुत आर पार आप देख सकते हो ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होता है ठीक है इसकी यूनिक ब्रिलियंस बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है मतलब इसकी शाइनेस बहुत ज्यादा होती है ठीक है इसकी इसको सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल नोन भी बोला जा सकता है नेक्स्ट में हैविंग डेंसिटी एंड इसॉलिबिलिटी इसकी जो डेंसिटी है वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की है अपने लर्न रखनी डेंसिटी ठीक है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत कम्पैक्ट होती है बहुत मतलब टाइटली अरेंज मतलब ऐसे होते हैं कार्बन के बहुत टाइटली अरेंज होते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी मतलब कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है और ये किसी भी सॉलवेंट में किसी भी पानी में अल्कोहल में बेंजीन में किसी भी सॉलवेंट में ये सॉलोबल नहीं होता इनसॉलिबल होता है ठीक है नेक्स्ट वन हमें कंडक्टिविटी एंड स्पार्कल जो मेनली डायमंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती ठीक है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्योंकि हरेक जो कार्बन एटम है वो आगे और कार्बन से अटैच होता है ऐसे करके आगे वो और कार्बन से अटैच होता है तो उसमें कोई भी फ्री आइटम नहीं है अगर कोई फ्री आइटम नहीं है फ्री आइटम ना होने की वजह से इसमें कोई भी मतलब कि कंडक्टिविटी शो नहीं करता यह कोई भी हीट कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा इसके स्पार्कल और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो बहुत ब्रिलियंट है क्योंकि बहुत शाइनी सरफेस है इसकी पॉलिशिंग और इसकी कटिंग ही कुछ ऐसी होती है कि इसको एक स्पार्कल बना देती है नेक्स्ट वी हैविंग यूजेस ऑफ डायमंड डायमंड का यूज़ कहाँ कहाँ आता है जेम्स एंड ज्वेलरी को जो जेम्स होते हैं ऐसे मतलब जो जेम्स होते हैं हीरे होते हैं उसमें क्या होता है डायमंड यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में क्या होता है डायमंड यूज़ होता है ठीक है या इसको ग्लास को कट करने के लिए रॉक्स को ड्रिल करने के लिए ठीक है या को जो हाई एंड वॉचेज वगैरह होती है उसकी हार्डनेस वगैरह को मेनटेन रखने के लिए क्या होता है उसके अंदर डायमंड प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डायमंड यूज़ हो सकता है जैसे कि लेज़र बीम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइजेज में लेजर बीम यूज़ होता है और लेज़र बीम कैसे डायमंड के थ्रू यूज़ होती है ठीक है जो इंडस्ट्रियल में भी यूज हो सकता है डायमंड इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है इंडस्ट्रियल यूज क्या है कि ये एज अ डाई यूज होता है टंगस्टन वायर को मतलब बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में ठीक है सेकंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन वी आर हैविंग ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट आप ऐसे रखो जो पेंसिल के आगे लिड लगी होती है वो पेंसिल के आगे वाली लिड क्या होती है ग्रेफाइट की होती है इसकी नेचुरल अपीयरेंस कैसी होती है सॉफ्ट होती है थोड़ी सी ग्रेश कलर की होती है ठीक है ग्रीसी थोड़ा सा ग्रीस सबस्टांस होता है ये ये ज्यादातर हमें कहाँ पर मिलता है ज्यादातर हमें ये ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हमें मिलता है पर ज़्यादा हमें प्लम्पैगो में मिलता है ठीक है प्लम्पैगो एक नेम है मतलब वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में एक जगह है उसमें ज़्यादा हमें ग्रेफाइट मिलता है ठीक है नेक्स्ट फिर हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट जो कार्बन के बॉन्ड्स है इसमें हरेक कार्बन के बॉन्ड जो होते हैं एटम्स होते हैं जो कार्बन के वो थ्री अदर आइटम्स से कंबाइन होते हैं जैसे एक कार्बन आइटम है वो आगे जाके क्या थ्री कार्बन ऐटम्स से ऐसे कंबाइन होगा ठीक है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसे होगी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में जो एक कार्बन आइटम है वो आगे जाके और थ्री कार्बन आइटम से कंबाइन होगा ऐसे करके ठीक है सो वन कार्बन आइटम कंबाइंड विद अदर थ्री कार्बन आइटम्स ठीक है तो इसकी ऐसी फॉर्म होती है ये कोवल एंड बॉन्ड से जुड़े होते हैं सभी बॉन्ड कौन से होते हैं कोवल एंड बॉन्ड होते हैं ठीक है नेक्स्ट है, में हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट का क्रिस्टल मेनली लेयर्स के फॉर्म में आता है जिसमें वो हैक्सागनल स्ट्रक्चर बनाता है जो कार्बन के आइटम्स जुड़े होते हैं आपस में आपस में जुड़ जुड़ के वो क्या करते हैं हेक्सागनल स्ट्रक्चर हेक्सागन ऐसा होता है हेक्सागन की स्ट्रक्चर क्चर क्रिएट कर लेते हैं ऐसे करके ठीक है नेक्स्ट में हैविंग इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके जो इंटरमोलोिकुलर फोर्स होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स वो थोड़े से वीक फोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो इजिली वो स्लिप कर जाता है इसलिए वो ग्रीसी होता थोड़ा सा मतलब आप ब्रेक कर सकते हो ईजिली नेक्स्ट में हैविंग राइटिंग एंड टेक्सचर क्योंकि स्लाइड कर सकता है स्लाइड करने की वजह से क्या होगा कि ग्रेफाइट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो पेपर पर पे लिख सकते हो पेपर पर पे लिखोगे तो वो अपना मार्क लीव कर देगा वहाँ पर और ईजिली आप वहाँ पर लिख सकते हो इसका जो टेक्सचर है टेक्सचर में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है थोड़ा सा ग्रीसी होता है ठीक है नेक्स्ट में हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है फिजिकल मतलब देखने में वो कैसा लगता है कि कैसा ग्रेफाइट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यूर हैविंग अपीरेंस तो क्या होती है इसकी सॉफ्ट होती है देखने में सॉफ्ट होता है ठीक है ग्रेस ब्लैक कलर का होता है क्रिस्टलाइन सब है जो एक स्लिपरी टेक्स्चर देता है हमें स्लिपरी टच देता है और इसकी एक मटैलिक शाइन होती है ठीक है राइटिंग एंड डेंसिटी ये ये एक ब्लैक मार्क छोड़ देता है जब आप कभी भी इसको यूज करते हो एज अ मतलब पेंसिल यूज करते हो तो एक ब्लैक मार्क छोड़ देगा पेपर पर पे, तो सब ईजिली आप लिख सकते हो ठीक है पेपर पर पे. इसकी डेंसिटी टू जीरो नाइन से टू पॉइंट थ्री नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है आपने लर्न रखनी है ठीक है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है हैक्सागनल स्ट्रक्चर शो करता है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है कि इनसॉलिबल होता है किसी भी सॉल्वेंट में ये होता है बट कोई भी एसिड अल्कलीस किसी में भी आप ऐड कर दो तो कोई भी यहाँ पे सोलबल नहीं होगा ग्रेफाइट किसी में भी सोलबल नहीं होता ठीक है इसकी स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये बहुत स्टेबल होता है फॉर्म ऑफ कार्बन ये सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है एलोट्रॉप इसका कार्बन का ठीक है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है दैट इज थ्री सेवन जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है कंडक्टिविटी है एक्सीलेंट कंडक्टर इसके अंदर क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में हेल्पफुल होगा नेक्स्ट में यूजेस ऑफ ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट के अभी क्या यूजेस है वो हमने वन बाय वन रीड करनी है फर्स्ट विन हैविंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है इलेक्ट्रोड क्या होता है कि अगर आप कोई भी बीकर लो बीकर के अंदर आप पानी वगैरह कुछ भी सॉल्वेंट डाल दो ठीक है अगर आप चाहते हो कि सोलवेंट से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉड्स की यूज करना पड़ता है इक्ट्रॉड्स को यूज करोगे उसको आप सेलर बैटरी से अटैच करोगे सेल और बैटरी से अटैच करने के बाद वो इलेक्ट्रॉड्स क्या करेंगे इस पानी में से इस कोई भी सोलवेंट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉड होते हैं ग्रेफाइड के बने होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है? Actually, ग्रेफाइट, होता है, जिसकी से आप इलेक्ट्रॉन को आप ग्रेफाइट का बना सकते है? Next, जो ग्रेफाइट होता है, है।, है? है, है जिसके अंदर आप कोई भी मेटल वगैरह रखो और उसको पूरा हाई टेम्परेचर दे दो हाई टेम्परेचर देने पर मेटल वगैरह क्या बर्न करना शुरू कर जाएगा हीट करना शुरू कर जाएगा तो जो ये क्रूशिबल्स होते हैं क्या होते हैं ग्रेफाइट के बने होते हैं क्यों क्योंकि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है वो जल्दी अपने, अपने, अपने आप मेल्ट नहीं हो जाएगा कि आपने जो भी अंदर सब्सटांस पड़ा है जो भी क्रिशिबल के अंदर सब्सटांस बढ़ा है उस सब्सटांस को आपने मेल्ट करना है अगर ये क्रिशिबल खुद ही मेल्ट हो गया वो सब्सटांस को मेल्ट क्या करेगा ठीक है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से जो क्रिशिबल्स होते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं ठीक है थीके? और रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन में खुद टेक पार्ट नहीं करता आप बिल्कुल साइड में रहता है और दूसरे जो भी अंदर आप केमिकल्स डालोगे उसको हीटअप करने में यूज़ होगा नेक्स्ट में हैविंग हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट्स बहुत सारे जो मतलब कि मशीन के पार्ट्स होते हैं जिसमें हीट वगैरह इवॉल्व होनी होती है उस पार्ट्स में क्या यूज़ होता है हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म में यूज़ होता है ग्रेफाइट ठीक है यह बाईसाइकिल चेन्स में यूज़ होता है मशीनरी पार्ट्स में यूज़ होता है ठीक है नेक्स्ट फिर हैविंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम मतलब जो भी मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर यूज़ होते हैं मॉडरेटर का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करने की फॉर्म में जो कंट्रोल करते हैं रिएक्शंस को वो कौन सी चीज़ होते हैं वो ग्रेफाइट की फॉर्म में मॉडरेटर होते हैं ठीक है ग्रेफाइट होता है उसमें वो क्या करते हैं उस रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो उसमें क्या यूज़ होगा ग्रेफाइट यूज़ होगा नेक्स्ट वो हैविंग पिगमेंट एंड प्रिंटिंग क्योंकि ये मतलब पेंट्स वगैरह में या कोई भी इलेक्ट्रो टाइप की कोई प्रिंटिंग प्रेस में जैसे कि प्रिंटिंग में क्या करना है? इंक एज अ इंक की फॉर्म यूज करना होता है ठीक है तो पिगमेंट और प्रिंटिंग में भी क्या यूज होता है ग्रेफाइट यूज होता है नेक्स्ट यू हैविंग डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लो डायमंड का क्रिस्टल शेप कैसा होगा इसकी ऑक्टाहाड्रल क्रिस्टल शेप होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा डायमंड में एक कार्बन आके चार कार्बन से अटैच होता है तो ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है इसमें ग्रेफाइड में क्या होगा कि जो एक कार्बन है वो आगे थ्री कार्बन से अटैच होता है तो इसके लिए इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसकी अपीयरेंस कैसी होती है कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट बोलो जो ग्रेफाइट है वो लस्ट्रस ब्लैक थोड़ा सा ब्लैक कलर का होगा ठीक है लस्ट्रस ब्लैकिश कलर का होगा इसकी हार्डनेस काफी ज्यादा हार्ड होगा ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और ग्रीसी होगा इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल पुअर होती है कोई भी हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता डायमंड और जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसी पास कर जाती है इसका क्या एक बहुत रेयर फाउंड फाइंड आउट होता है ये कॉमनली जो ग्रेफाइट है वो कॉमनली फाइंड आउट हो जाता है बर्निंग पॉइंट क्या होता है इसका नाइन डिग्री सेल्सियस होता है क्योंकि इतना बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है एयर में और जो ये ग्रेफाइट होता है सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बर्न होता है इसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करनी शुरू करता है सो टिल दिस हमने क्या किया टू फॉर्म ऑफ कार्बन को रीड कर लिया दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट अभी इस चैप्टर में एक न्यू फॉर्म ऑफ कार्बन है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन ठीक है ये फ्लोरीन नेम आया बक मनिस्टर फ्लोरिन से ठीक है ये थर्ड फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन कार्बन की जो मतलब कि अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है ठीक है इसके अंदर क्या होगा बहुत सारे कार्बन आइटम्स जो होंगे वो एक हॉलो या केज लाइक स्ट्रक्चर या सवेरिकल सिलेंड्रिकल जो मर्जी बोलो ऐसे मतलब पूरे मतलब राउंड बलून की शेप में ऐसे फुटबॉल की शेप में ऐसे पूरे क्या होंगे कार्बन अटैच होंगे ऐसे करके ठीक है ऐसे करके पूरा क्या बन जाएगा एक बक मिनिस्टर फ्लोरीन इसको आप सिंपली बोल सकते हो फ्लोरिन ठीक है इसकी वराइटी इन कार्बन आइटम्स कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लगे होते हैं इसके कार्बन आइटम वेरी करते हैं थर्टी से लेकर नाइन हंड्रेड जो कार्बन आइटम्स कंबाइन हो सकते हैं थर्टी हो गए तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा नाइनटी नाइन हंड्रेड हो डिफरेंट 90, हो स्ट्रक्चर होगा ठीक है तो मैक्सिमम मिनिमम थर्टी और मैक्सिमम नाइन हंड्रेड कार्बन से बना हो सकता है फ्लोरीन ठीक है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी इसके अंदर ट्वेंटी हैक्सागनल ट्वेल्व पेंटागनल रिंग्स होती हैं जो एक मतलब उसको केज लाइक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होती है ठीक है इसको आप क्या कर सकते हो इसको आप सी सिक्सटी भी बोल सकते हो सी सिक्सटी ठीक है क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था कि सिक्सटी कार्बन्स को जोड़ के एक फ्लोरीन बना था तो उसको उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया बक मिनिस्टर फ्लोरिन सी सिक्सटी को बक मिनिस्टर फ्लोरिन बोलते हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर सिक्सटी कार्बनस को जोड़ जोड़ के एक फ्लोरीन बना था ठीक है डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप ऑफ फ्लोरीन हो सकते हैं जैसे ट्वेंटी वाला भी हो सकता है फिफ्टी वाला सेवेंटी वाला तो इसके मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कार्बन है वो वेरी करते रहते हैं ऐसे जरूरी नहीं कि सिक्सटी हो या नाइनटी 90 हो नाइन हंड्रेड ही हो तो ऐसे नहीं है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन आइटम्स हो सकते हैं जो सी सिक्सटी वाला होगा उसको आप बोलोगे ब्रक मिनिस्टर फ्लोरिन नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरिन तो फ्लोरिन की प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट वी आर हैविंग कलर वेरिएशन जो ये वेरी करता है कलर बेस पे वेरी करता है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट वेरी होते हैं तो जो जिसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स लग गए उस हिसाब से उसका कलर चेंज होता रहेगा ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग सोलिबिलिटी ये काफी सारे सोलवेंट्स में सॉलेबल हो सकता है अक्रेंस क्या है इसकी ये सूट में फाइंड आउट होता है इंटरस्टेलर सर्ट डस्ट में फाइंड आउट होता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ अर्थ्स में आप लर्न रखोगे जस्ट लर्न रखना आपको कि इसकी अक्रेंस कहाँ कहाँ में यह फ्लोरिन मिल सकता है ठीक है रिएक्टिविटी क्या है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है डायमंड और ग्रेफाइड इतने रिएक्टिव नहीं है बट ये फ्लोरिनस काफ़ी रिएक्टिव होते हैं ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम डेंसिटी वो बोल देते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी वन से लेकर टू तक वेरी करती है ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग यूजेस ऑफ फ्लोरस तो फ्लोरन्स की क्या यूज है डेली लाइफ में देखो फर्स्ट वी आर हैविंग इंसुलेटर ये एज अ इंसुलेटर काम आता है इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती नेक्स्ट में हैविंग सुपर कंडक्टर्स ये एज अ सुपर कंडक्टर काम करता है सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि कई बार अगर हमें जरूरत है तो उसको हम एज अ कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है उसको हम एज अ इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं देखो है इसके लिए हम इसको सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं जो फ्लोरेंस है उसको हम एज अ ल्युब्रिकेंट्स भी यूज कर सकते हैं जो मतलब कि मशीन के पार्ट्स में हम एज अ ल्युब्रिकेंट यूज कर देंगे जो मशीन के पार्ट्स को मतलब फ्रिक्शन

जो ये फॉर्म ऑफ कार्बन होती है इसमें कोई भी रेगुलर शेप या कोई भी स्पेसिफिक शेप जो एलिमेंट्स की होती है वो नहीं होती ठीक है जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या था उसकी एक प्रॉपर रेगुलर शेप थी जैसे डायमंड की थी ग्रे, ग्रेफाइट की थी हेक्सागोनल ठीक है ऑक्टाहेड्रल ये सभी शेप्स थी उसकी प्रॉपर एक शेप्स थी बट इसमें क्या होगा अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में कोई भी एक प्रॉपर शेप उसकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होंगे ठीक है इसके एग्जाम्पल क्या जैसे कि वुड चारकोल बोन चारकोल शुगर चारकोल लैम्प ब्लैक कोक कोल ये सभी एग्जाम्पल होंगे मॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन के फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कोक तो कोक क्या होता है कोक हमें डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं ये एक ब्लैक पोरस सब्सटेंस है जैसे एक ब्लैक सब्सटेंस होता है कोक ठीक है जो कैसे बना होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपने लर्न रख लेना फिलहाल बाद में आपको एक प्रॉपर मतलब की आएगा प्रोसेस आएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कैसे होती है तो जब यह प्रोसेस यूज करोगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इसकी हेल्प से क्या बनेगा कोक बनेगा अभी ये कोक पीने वाला कोक नहीं है प्लीज सबसे पहले ओके ये कोक कुछ ब्लैक कलर का कुछ होता है ठीक है जो कैसे बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन ऑफ कोल में एक्चुअली क्या होता है कि जो एक सब्सटेंस होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं जब उसको एब्सेंस ऑफ एयर में कोई भी सब्सटेंस जैसे सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट है इसको जब एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करोगे बर्न करने पर क्या बनेगा कोक बनेगा ठीक है नेक्स्ट मे हैविंग प्रोडक्शन फ्रॉम कोल कोल से अभी कोक कैसे बनता है वो हमें रीड करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से आपको कोक मिलेगा कोल टार कोल गैस अमोनिया लिक्विड ठीक है ये सभी किस ये सभी कुछ कहाँ से मिलेगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ठीक है इसमें क्या होगा कि जब भी ये प्रोसेस आप करवाओगे ना प्रोसेस करवाने पर जो भी रेसिडी हो जो भी मतलब वेस्ट मटीरियल लेफ्ट रह जाएगा उसको आप बोलोगे कि वो कोक है जिसमें नाइन्टी ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो गई नेक्स्ट में हैविंग यूजेज ऑफ कोक जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल्स हमने कोक बनाया था जो रेसिपी मतलब बचा था उसका उसके अभी यूजेस क्या है फ्यूल रिसोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज करते हैं एज अ फ्यूल क्योंकि कोई भी फ्यूल अगर हमें बर्न करना तो बर्न करने में हम कोक यूज़ करते हैं नेक्स्ट में हैविंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी जो कोक है वो काफ़ी क्रिशियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वहाँ पे जो कोक है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि अगर दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करवानी है तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए वहाँ पर कोक एज अ रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है नेक्स्ट में हैविंग गैस प्रोडक्शन गैस का मतलब यहाँ पे कौन सी है वाटर गैस सी ओ प्लस एच टो अगर आपको वाटर गैस प्रोड्यूस करवानी है आपको प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस करवानी है या अपने नेम लर्न रखने, रखने है लर्न लर्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस सी ओ प्लस एच टो फार्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस सी ओ प्लस एन टो ठीक है तो अगर आपने वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस बनवानी है तो आप कैसे बनवाओगे कोक से वो पूरे प्रोसेस एंड ऑल वो आगे आएंगे जस्ट आपने यहाँ पे लर्न रखना है इसकी क्या है नेक्स्ट में हैविंग मेटल एक्सट्रेक्शन जब कभी भी हमें की अर्थ सरफेस से मेटल की एक्सट्रैक्शन करवानी होती है उसको उसके ऑक्साइड से सल्फर ओर से मतलब निकालना होता है मेटल्स को तब तो भी हम वहाँ पे कोक यूज करते हैं नेक्स्ट में हैविंग प्रोडक्शन ऑफ सूट और लैम ब्लैक अभी सूट और लैम ब्लैक क्या होता है ध्यान से देखो जैसे फॉर एक्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे दी है ठीक है दिए मैंने क्या किया और मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और यहाँ मैंने ऐसे विक रख दी ठीक है इसको मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया कैंडल से बर्न कर दिया इसको अभी इसको जब लाम करोगे लाम करने में थोड़ा सा वो धुआं बाहर आएगा ना धुआं अगर आप धुएं के ऊपर वहाँ पे कुछ प्लेट वगैरह रख दो तो प्लेट वगैरह रखने से वो धुएं क्या होगा प्लेट थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो जाएगी ना तो वही जो चीज़ ब्लैक चीज़ होती है उसको हम सूट बोलते हैं समझ आ गया जो एक ब्लैक मतलब कि स्मोक बाहर निकल है उसको सूट बोलते हैं इसका भी क्रिएशन कैसे होता है जब कभी भी कार्बन रिच सब्सटेंस को जैसे कोई भी टर्फाइन ऑयल ले लो कैरोसिन ऑयल ले लो बेंजीन ले लो इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करना स्टार्ट करोगे तो उससे क्या बनेगा उससे सूट या लैम्प ब्लैक बनेगा ठीक है जो स्मोक होता है वो स्मोक मेनली वो क्या करते हैं चैम्बर्स में कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई भी सबस्टानस को इन द एबसेंस और इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में बर्न करना स्टार्ट कर दिया तो बर्न करने में क्या होगा जो भी आप स्मोक बाहर निकल

नेक्स्ट वील हैविंग यूजेसूट एंड लैम ब्लैक सूट और लैम ब्लैक के क्या क्या यूजेज है फर्स्ट ऑफ ऑल इंक एंड प्रग प्रग इंक बनाने के लिए टाइपराइटर रिबन्स बनाने के लिए ब्लैक पेंट बनाने के लिए या वर्निशिज वगैरह बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हम सूट यूज़ करते हैं और उसको आप ऐसे नेम दे सकते हो कार्बन ब्लैक जो कार्बन ब्लैक जो ब्लैक कलर का हम सब्सटेंस यूज करते हैं वो सूट होता है एक्चुअली वहाँ पे ठीक है नेक्स्ट में हैविंग कलरिंग एजेंट जो भी मतलब रबर वगैरह कलर करना होता है लेदर के प्रोडक्ट्स को कलर करना होता है वहाँ पर भी सूट यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है रबर एंड प्लास्टिक कोई भी मतलब हमें रबर के अंदर एज अ फिलर क्योंकि रबर के अंदर कोई भी ऐसा स्पेस बचे हो तो उसको फिल करना हो ठीक है कोई भी टायर्स वगैरह प्लास्टिक वगैरह में स्पेस

इसके सोर्सेज के बेस्ड पे चारकोल थ्री टाइप्स के होते हैं वुड चारकोल बोन चारकोल एंड शुगर चारकोल ठीक है ये वुड चारकोल कहाँ से मिलता है अगर आप आ, मतलब वुड को बर्न करना स्टार्ट कर दूँ द एबसेंस ऑफ एयर और द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो आपको वुड चारकोल मिलेगी अगर आप बोन्स को बर्न करोगे तो आपको बोन चारकोल मिलेगी और अगर आप शुगरी मटीरियल्स को इन द एबसेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करोगे तो आपको शुगर चारकोल मिलेगी वन बाय वन वी विल रीड अबाउट द वुड चारकोल शुगर चारकोल एंड बोन चारकोल ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग वुड चारकोल वुड चारकोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है फिजिकल मतलब देखने में कैसा होता है वुड चारकोल उसका कलर एंड टेक्सचर कैसा है वो ब्लैक होता है पोरस मतलब थोड़े थोड़े वहाँ पे पोर्स होते हैं ऐसे होल्स थोड़े से प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट होता है जो वुड चारकोल होता है ब्रिटल मतलब कि जल्दी टूट जाता है ठीक है नेक्स्ट में हैविंग गैस अब्जॉप्शन गैस अब्जॉप्शन मतलब कि इसकी एबिलिटी होती है कि वो गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है डिओड्राइजिंग एंड डीकलराइजिंग इसका ये इफेक्टिव है मतलब कि कलर को रिमूव करने के लिए स्मेल को रिमूव करने के लिए वुड चारकोल यूज हो सकता है ठीक है कंडक्टिविटी ये पोर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं करवाते बायोन्योन्सी मतलब पानी के अंदर अगर आप इसको फेंक दो वुड चारकुल को तो ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा तो तो सबसे पहले क्या होगा कि इसके अंदर क्या होता है टेंडेंसी होती है कि गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है जब गैसेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी ठीक है बट अगर आप पानी बॉयलिंग वाटर लोगे तो बॉयलिंग वाटर की एक रेडेंसी होती है कि वो जो भी गैसेस के अंदर ट्रैप हो गए वो गैसेस को बाहर निकाल देंगे एक आउट कर देंगे स्केप तो आउट करने से क्या होगा वो चारकोल सिंक करना स्टार्ट कर देगा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही पानी में फ्लोट करता है क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है कि वो गैसेस को अपने अंदर ट्रैप कर ले बट अगर आप बॉयलिंग वाटर ले रहे हो तो बॉयलिंग वाटर से क्या होगा कि वुड चारकोल के अंदर जो भी गैसेज ट्रैप होंगी वो एस्केप आउट हो जाएंगे जब वो एस्केप आउट होगी तो वो चारकोल क्या करेगा सिंक करना स्टार्ट कर देगा पानी में नेक्स्ट में हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड चारकोल वुड चारकोल के भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग बर्निंग टेम्परेचर ये एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होता है ठीक है एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी गैसेज रिजल्टिंग गैसेज क्या अगर आपने इसको एयर और ऑक्सीजन में बर्न करना स्टार्ट कर दे तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा एंड प्रोडक्ट मेनली इसका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें एक्सेस ऑफ एयर ज़्यादातर एयर में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है साथ साथ इसके कार्बन मोनोक्साइड बनेगा जो लिमिटेड जिसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है ठीक है जब भी आप उसको वो चारकोल को बर्न करोगे बर्न करने पे कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ठीक है अगर तो आप वुड चारकोल को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न कर रहे हो ठीक है कार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा अगर आप लिमिटेड एयर में बर्न कर रहे हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा ठीक है अगर आप किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करवा रहे हो इस वुड चारकोल को जैसे मैंने सल्फर से करवा दिया सल्फर से करवाने पर बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड अगर मैंने कार्बन इस वुड चारकोल को मतलब रिएक्ट करवा दिया और एलिमेंट के साथ जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो ये बनाएगा मिथेन ठीक है मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी वुड चारकोल वुड चारकोल मेनली कार्बन की फॉर्म होती है तो वुड चारकोल और कार्बन कंफ्यूज नहीं होना सेम ही होता है ठीक है तो अगर आप वुड चारकोल को डिपेंड मतलब रिएक्ट करवाओगे कोई भी और अदर एलिमेंट्स के साथ वो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते रहेंगे अभी जो ये है वुड चारकोल है वुड चारकोल यूज होती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट कैसे अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड्स को रिडक्शन करवाना है वो जैसे जिंक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को आपने रिमूव करवाना है ठीक है तो आप कार्बन ऐड कर दो तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवानी मतलब ऑक्सीजन इससे बाहर निकालना है तो आप क्या करो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को ऐड कर दो तो कार्बन एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की वो क्या करेगा ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा ठीक है कोई भी अगर और एग्जाम्पल लेनी है रिडक्शन ऑफ कैल्शियम एंड सिलिकॉन ऑक्साइड अगर आपको सिलिकॉन ऑक्साइड की रिडक्शन करवानी है तो उसमें आप सी, मतलब कार्बन ऐड कर दो वुड चारकोल ऐड कर दो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा ठीक है तो इससे क्या होगा जो कार्बन है वो सिलिकॉन के साथ लग जाएगा ऐसे तो सिलिकॉन का कार्बाइड बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बाहर रिलीज हो जाएगी ठीक है ऐसी कंसल्ट्रेट एसिड्स में रिडक्शन करवानी है तो वो भी आप कार्बन की फॉर्म में या इसकी वुड चारकोल के एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके उसकी रिडक्शन करवा सकते हो ये सभी रिएक्शंस आपने लर्न रखनी है प्रॉपरली नेक्स्ट so, में वुड चारकोल तो वुड चारकोल के अभी मेन यूजेस क्या है हमारे इन्वायरमेंट में फर्स्ट फिर हैविंग फायर स्टार्टिंग अगर भी फायर को आपने स्टार्ट करना है अगर कोई भी फायर लगवानी है तो उससे आपको क्या फ्यूल चाहिए तो फ्यूल आप कौन सी यूज कर सकते हो वुड चारकोल फ्यूल यूज कर सकते हो नेक्स्ट यूज ऑफ वुड चारकोल वी आर हैविंग गैस मास्क जो हम मास्क यूज करते हैं ना मास्क मतलब क्या होगा कि जो वुड चारकोल है हमें पता है हमने रीड किया था कि वुड चारकोल सभी गैसेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करवाने की एबिलिटी रखता है ठीक है जो ये गैस मास्क है गैस मास्क क्या करेगा जो भी पॉइजनस गैसेज हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी उसको भी

को और जो अच्छे से मतलब अच्छी कैसे अच्छे मतलब अच्छी अच्छे मटीरियल उनको पानी में रहने देगा और और तो animal bone charcoal पहले बनते कैसे Formation process हम कर ये कैसे बनेंगे अगर आप कभी भी बोन्स को विदाउट एयर या कोई भी मतलब the absence of air में burn करना स्टार्ट कर दोगे तो बर्न करने पे जो भी मतलब एंड प्रोडक्ट एज अ ब्लैक रेसिड्यू बचेगा वो रेसिड्यू को हम क्या बोलेंगे एनिमल चारकोल बचेगा ठीक है नाउ वी हैविंग यूजेज ऑफ एनिमल चारकोल तो एनिमल चारकोल की यूजेस क्या है फर्स्ट वी आर हैविंग डी कलराइजिंग एजेंट क्योंकि ये कोई भी मतलब जो एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह होंगे उनको ऑब्सॉर्ब करके साइड कर देगा और जो भी रिक्वायर्ड कलर है उसको हम वहाँ पे रख सकते हैं ठीक है जैसे कि ब्राउन शुगर है ब्राउन शुगर में जो भी एक्स्ट्रा कलर है उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए वो हेल्पफुल होता है नेक्स्ट वीर हैविंग प्योरीफिकेशन कोई भी ऑर्गैनिक लिक्विड ऑर्गैनिक लिक्विड्स को प्यरीफाई करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं एनिमल और बोन चारकोल एस्टैटिक परपसेज जो भी मतलब आर्टिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो आर्टिस्ट वगैरह क्या यूज़ करते हैं एनिमल और बोन

जो एज अ रिजल्ट एक हैवी मास एक स्पॉन्जी मास बन जाएगा शुगर चारकोल का वो क्या होगा उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी होगी कौन सी अमॉरफस कार्बन की नेक्स्ट में हैविंग यूजेज ऑफ शुगर चारकोल की यूजेस क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल डायमंड प्रेपरेशन कोई भी आर्टिफिशियल डायमंड प्रपरेशन करवाने के लिए यूज़ करना होता है वो कौन क्या यूज़ करते हैं वो शुगर चारकोल यूज़ करते हैं नक्स कॉन्सिटुेंट ऑफ कार्बन वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको फॉर्मुला पता है सी ओ टू जो ज्यादातर हमारे क्या है कॉन्स्टिटेंट ऑफ एयर एयर में प्रेजेंट होता है इन एयर ठीक है ये मेनली जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन परसेंट एयर कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है ये कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ के बना जिसका formula होता है जिसका फार्मूला होता है सी ओ टू ठीक है इसका मेन हमारे पास क्या रोल है लाइफ फॉर्म्स में वो हमने रीड करना है बहुत सारे मेनली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए कार्बन कंटेनिंग मतलब कि कंपाउंड चाहिए होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट फैट न्यूक्लिक एसिड विटामिन ठीक है सभी क्या होते हैं एनिमल्स को या मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं ठीक है थेके? जो भी हमारे इंडो एंडो और एक्जोस्कैल्टन में जो भी हमारे भी सॉल्ट्स वगैरह कंसनट्रेटेड कार्बोनेट सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट है वो भी कैसे प्रेजेंट है वो भी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड हमारे अंदर प्रेजेंट है नेक्स्ट वी हैव टू रीड लेबॉट्री प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की लेबॉरट्री प्रेपरेशन कैसे है लेबॉरट्री में हमें कैसे इसको बना सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाई बर्निंग फ्यूल्स लाइक अगर आप फूल ले लो जैसे कि पेट्रोल ले लिया या डीजल वगैरह ले लिया इसको आपने बर्न करना स्टार्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी आप पेट्रोल और डीजल को बर्न करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एनर्जी के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट करवा सकते हो कोई भी फ्यूल लो उसको ऑक्सीजन के गैस में बर्न करना स्टार्ट कर दो वो एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमोस्फियर में या उसको आप कलेक्ट कर सकते हो में ठीक है मेटल मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट डिलूट एसिड अगर आप कभी भी डिल्यूट एसिड्स को आप रिएक्ट करवाओगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तब भी वो क्या प्रोड्यूस करेगा एक तो वो सोल्ट प्रोड्यूस करेगा वाटर प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा जैसे ये तो एग्जांपल होगी मेटल कार्बोनेट की ठीक है मेटल कार्बोनेट को आपने क्या किया एसिड में रिएक्ट करवा के ये सभी प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड को आपने फॉर्म करवा लिया सिमिलरली आप क्या कर सकते हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी आप डिल्यूट एसिड में रिएक्ट करवा के तो आप क्या बनवा सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करवा सकते हो ठीक है नेक्स्ट में हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम रीड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज की अपेरेंस क्या होती है बिल्कुल कलरलेस गैस होती है ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस जिसका स्मेल नहीं होता कोई भी तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है ठीक है ये स्लाइटली सोट थोड़ी सी खट्टी होती है टेस्ट में ठीक है इसकी डेंसिटी क्या होती है वन पॉइंट फाइव टाइम्स हेवियर देन एयर ये एयर से वन पॉइंट फाइव टाइम्स हेवियर होती है इसकी डेंसिटी इतनी होती है ठीक है फ्लूडिटी एंड सॉलिबिलिटी ये जो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हम क्या कर सकते हैं कोई भी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर जैसे कि पानी को हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर से मूव करवा सकते हैं ना वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ईजिली वो क्या कर सकता है फ्लूड है वो ईजिली मूव कर सकता है ठीक है सॉलिबिलिटी क्या है वो थोड़ा बहुत पानी में मतलब क्या डिजॉल्व हो सकता है जो भी मतलब इक्वेटिक प्लांट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो इसको यूज़ कर लेते हैं एज अ मतलब कि एज अ गैसेस ठीक है अपने अंदर लेके जाने के लिए नेक्स्ट में हैविंग लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ये प्रेशर लगाने पर क्या लिक्विफाई में कार्बन प्रेशर प्रेशर करेगा स्नो वाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? All, ये पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट वेन हैविंग विद द एल्कलीज जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई भी एल्कलीज के साथ या बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ रिएक्ट करने पे एक तो वो क्या करते हैं सॉल्ट बनाते हैं और दूसरा वो पानी बनाते हैं ठीक है कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पर उसने क्या बना दिया सोडियम कार्बोनेट और पानी को रिलीज कर दिया ठीक है नेक्स्ट वे हैविंग रिएक्शन विद लाइम वाटर लाइम वाटर का लर्न रखोगे सी ए ओ एच टाइस अदर नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखो ठीक है तो अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब आप ऐड करवाओगे रिएक्ट करवाओगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को रिलीज करेगा ठीक है नेक्स्ट वी हैविंग कम्बस्टिबिलिटी कम्बस्टिबिलिटी का मतलब क्या है वो फायर को लगवाने ना तो ये फायर को सपोर्ट करता है ना फायर मतलब कोई भी चीज़ को बर्न करवाने के लिए हेल्पफुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड बट फायर को अगर आपने एक्सटिंग्विश करवाना रोकना है खत्म करना है तब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट में हैविंग एक्शन विद लिटमस पेपर ये क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्ट होता है ये क्या करेगा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एसिडिक नेचर का होता है नेक्स्ट में हैविंग रिएक्शन विद मेटल्स तो जो मतलब मेटल मैग्नीशियम है जैसे फॉर एग्जांपल उसको आपने बर्न करना स्टार्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देगा अगर मैंने मैग्नीशियम को कोई भी मेटल मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो क्या करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और फ्री कार्बन गैस से रिलीज आउट कर देगा ठीक है अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रेड हॉट को के साथ रिएक्ट करवा दिया तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज़ करवा देना ठीक है सिमिलरली अगर अगर आप ताकि आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने पानी में रिएक्ट करवा दिया तो वो क्या करेगा ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ आउट कर देगा जो भी प्लांट्स वगैरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करती हैं मेनली प्लांट्स यही कुछ करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प से वो क्या बनाते हैं अपना ग्लूकोज खाना तैयार करते हैं और ऑक्सीजन गैस को इन द मतलब एयर में रिलीज़ आउट कर देते हैं नेक्स्ट में हैविंग यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड की यूजेस क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैविंग एरिएटेड ड्रिंक्स जो भी आपने कोक वगैरह या कोई भी मतलब कि ड्रिंक्स होंगे सॉफ्ट ड्रिंक होंगे सॉफ्ट ड्रिंक जब आप खोलते हो ना खोलने पर गैस रिलीज आउट होती है तो वो गैस कौन स होती है कार्बन डाई गैस रिलीज होती है ठीक है क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो काफ़ी प्रेशर पर उसके अंदर बॉटल के अंदर मतलब फिल की होती है तो इसीलिए उसमें क्या होता है कार्बन डाई गैस नेक्स्ट में हैविंग शुगर प्योरीफिकेशन केन शुगर को प्योरीफाई करने के लिए कार्बन डाईक्साइड गैस यूज होती है वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी ड्राई आइस वगैरह होती है ड्राई आइस में मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड है डायरेक्टली कन्वर्ट होती है गैशस फॉर्म में जो आइस है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है विदाउट गोइंग इन टू द लिक्विड स्टेट और ये भी इसमें अंदर भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ठीक है जो भी मतलब फूड को फिश को या मीट वगैरह को आइसक्रीम वगैरह को स्टोर करने के लिए जो मतलब आइस क्यूब यूज़ होते हैं वो ड्राई आइस होते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट में हाविंग रेफ्रिजरेशन जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रेफ्रिजरेटर्स के अंदर गैस प्रेजेंट होती है ठीक है तो वो गैस कौन सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है नेक्स्ट में हैविंग फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन को यूज़ करके वो क्या बनाते हैं पानी को यूज़ करके वो क्या बनाते हैं अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मसाला तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है ठीक है फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फायर को बुझाने के लिए भी यूज़ होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर को एक्सटिंग्विश कैसे करता है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवियर होता है एयर से हैवियर होने की वजह से क्या होता है वो कार्बन मतलब फायर को एक्सटिंग्विश करवाने के लिए हेल्पफुल होता है नेक्स्ट कॉन्सीटेंट ऑफ कार्बन वी आर हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अक्रेंस कहाँ कहाँ मिलता है ये ज्यादातर एयर में नहीं मिलता वैसे क्योंकि एयर में वैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होता है पर कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे कहाँ से मिलता है जब कभी भी आप कोई भी सबस्टांस को इनकम्प्लीट बर्न करवाओ मतलब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करवाओ तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस हो सकते हैं ठीक है या मेनली कहाँ से मिल सकता है कोल गैस में से वॉल्कैनिक गैसेज में से तंबाकू स्मोक में से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में से ठीक है इन सभी में से क्या मिलता सकता कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है नेक्स्ट में हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी देखने में वो कैसा है एक तो कलरलेस होता है कोई कलर नहीं है कोई टेस्ट नहीं है कोई स्मेल नहीं है उसके ठीक है डेंसिटी क्या थोड़ी सी लाइटर होता है एयर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो हैवी था एयर से वन टाइम्स बट कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो स्लाइटली लाइटर होता है एयर से ठीक है सॉलिबिलिटी थोड़ा मतलब ये पानी में सॉलिबल होता है टॉक्सिटी काफी पॉइजनस होता है काफी जहरीला होता है ठीक है इसमें मतलब क्या कि अगर आप जीरो वॉल्यूम ऑफ भी कार्बन मोनोऑक्साइड अपने अंदर इनहेल कर लो तो उससे क्या मतलब एक पर्सन को फेंट uh, होना वो स्टार्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी थर्मली स्टेबल है ठीक है कभी भी ये डिकम ज्यादा टेम्परेचर आने पर डिकम्पोज नहीं जल्दी होता ठीक है क्योंकि अपने आप में कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में ही स्टेबल है लिटमस पेपर रिएक्शन अगर आप कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक करोगे लिटमस पेपर पे तो ये कोई भी कलर को चेंज नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रल होता है ना तो ये एसिडिक है ना ही तो बेसिक है ये न्यूट्रल है ठीक है ये ना ही तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ना ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा विच शो इट्स न्यूट्रल प्रॉपर्टी नेक्स्ट में हाविंग कम्बस्टेबिलिटी ये कभी भी कम्बशन को सपोर्ट नहीं करता मतलब कोई भी मटेरियल को मतलब फायर लगवाने के लिए कम्बशन के लिए शो नहीं करता हेल्प नहीं करता अगर आप कार्बन मोनोक्साइड को बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या करेगा पेल ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट होगा प्ले इसकी ऐसे फॉर्म में वो फ्लेम कन्वर्ट करेगा ठीक है नेक्स्ट में हावेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड अभी कार्बन मोनॉक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या है क्योंकि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हेल्पफुल होता है ठीक है जैसे लेड ऑक्साइड है लेड ऑक्साइड अगर आप कार्बन मोनॉक्साइड में एड करवा दोगे तो क्या करेगा लेट से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगा और खुद अपने अंदर क्या करेगा ऑक्सीजन को एड करवा लेगा खुद वो क्या करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करवा देगा तो लेड ऑक्साइड में जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ऐड करवाओगे तो वो पी बी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट करवा देगा ठीक है सिमिलरली जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के ऐड कर दो तो ऑक्सीजन क्या जिंक से रिमूव हो जाएगा मेटल से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और खुद इसके अंदर क्या करेगा ऑक्सीजन एडिशन हो जाएगी ठीक है सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर द आयरन ऑक्साइड नेक्स्ट यू हैविंग यूजेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फ्यूल जो भी मतलब ये एज अ फ्यूल काम करता है क्योंकि अगर ये दूसरे गैसेस के साथ रिएक्ट करे दूसरे गैसेस का साथ रिएक्ट जैसे कि अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रोड्यूसर गैस बनेगा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया तो वाटर गैस बनेगा ठीक है जो ये सभी वाटर गैसेज और हाइड्रोजन गैस है ये इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में हेल्पफुल होते हैं ठीक है नेक्स्ट में हम एक रिड्यूसिंग एजेंट ये तो हमें पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करवाने के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में रीड किया कि एक्ट करते एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है मैनुफैक्चरिंग कोई भी अगर आपको

मिथाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट ऐसा कुछ बनवाना है तो उससे आप क्या यूज़ कर सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से उसको बनवा सकते हो ठीक है फोजीन गैस जो एक मतलब कि फोजीन गैस का फॉर्मूला होता है सी ओ सी एल टू जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मत है डाई इंडस्ट्री के लिए तो इसकी प्रेपरेशन करवाने के लिए भी कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं ठीक है अभी इसका प्रोसेस पूरा क्या है वो हम नहीं रीड करने वाले जस्ट आपको ये लर्न रखना है कि फोजीन गैस बनाने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड नेक्स्ट वी हैविंग निकल प्योरीफिकेशन निकल की प्योरीफिकेशन ये एलिमेंट है निकल इस प्यूरिफिकेशन करवाने के लिए भी क्या यूज करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच